Self-appointed custodian of religion, Deepak Sharma, kidnapped and thrashed a minor boy, justified his act saying it was done to show what could happen if one hurts religious sentiments of people. अगर आप वीडियो को सुनेंगे तो मुझे लगता है आपको आपका जवाब अपने आप मिल जाएगा। मैंने ऐसा बोला हुआ है कि वो जो वीडियो है, वो जो व्यक्ति है या उस टाइप के जो व्यक्ति हैं, पूरे सोशल साइट्स पर गलत मैसेज देने के या गलत इरादे से हिंदू देवी देवताओं के अधनंगे या ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा घृणित, जिनको शायद सभ्य समाज टीवी पे या आप अपनी न्यूज चैनल पे दिखा भी नहीं सकते, ऐसे चित्र बना करके लोगों को टीज करने के लिए और धर्म को अपमानित करने के लिए पोस्ट किए जाते हैं। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि मैंने वो वीडियो क्यों बनाई, जहां तक ये इस सवाल का जवाब मिल गया आपको। और वो जो वीडियो है, आप मोहम्मदन उसको कह रहे हैं, यहां पर मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि मैंने उस वीडियो का हेडिंग जो रखा हुआ था, मैंने ऊपर लिखा हुआ था अ फिल्म। और मुझे आपको ये बात तो कम से कम अब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि फिल्म का मतलब क्या होता है। वास्तव में वो जो वीडियो है वो इस वजह से बनाई गई है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो समाज में इसका गंदा असर पड़ता है, लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, लोग इस तरह हर्ट हो सकते हैं और आपके साथ इस तरीके की घटना हो सकती है। कोई भी हीरो ले लीजिए, शाहरुख खान, सलमान खान, बहुत सारी मूवीज बनाते हैं जिसमें पीटने के साथ साथ एक संदेश देते हैं कि अगर ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है। क्या उन्हें भी जेल हो जाएगी?